हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। दोस्तों, आप सभी के लिए आज एक रिक्वायरमेंट वैकेंसीज आउट हो चुकी है। जो रिक्वायरमेंट वैकेंसीज आउट हुई है, यहाँ पे देख सकते हो पुणे सेंट्रल ग्रुप से वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पुणे की तरफ से जो रिक्वायरमेंट वैकेंसी एक बार फिर से आउट हो चुकी हैं। योग्यता देख सकते हो, यहाँ पे 10वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा देख सकते हो 18 से लेकर 14 ईयर तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो वैकेंसी निकली हैं एलडीसी के पदों पे निकली हैं, कुक के पदों पे, ड्राइवर, अन्य पदों पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट भर्ती रहने वाली है। ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं, अप्लाई वैकेंसीज कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहने वाला है, लास्ट डेट 19 सितंबर रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं 19 सितंबर से पहले पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अप्लाई आपको ऑनलाइन तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और वहाँ से आपको इस भर्ती का नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की ऑफिशियल अपडेट की और जो स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिख रहा है, इसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करने वाले, ए टू जेड जानकारी देने वाले। तो सबसे पहले, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यहाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखी है RJ18 आर्मी लवर के नाम से, उसे फॉलो जरूर कर ले। वहां पे टाइम टू टाइम आपको इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड होती रहती है, चाहे कोई भर्ती से रिलेटिव, एडमिट कार्ड से रिलेटिव, ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटिव, सबसे पहले सबसे फास्टली आपको इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलते हैं आज के ऑफिशियल अपडेट की और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अच्छी तरह से जो आज का ऑफिशियल अपडेट रहने वाला है, जो वैकेंसी निकल के आई है ICMR, जो इंटेवर देख सकते हो ICMR राष्ट्रीय जो ट्रांसकोलॉजी वायरोलॉजी एंड अनुसंधान संस्था भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो वैकेंसी आउट हुई 14/8/24 को इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो वैकेंसी निकली है आपको देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपको अप्लाई किस प्रकार से ऑनलाइन तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। जो फॉर्म की देख सकते हो लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 20 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट रहने वाला है और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग की यानी कि 19 अगस्त रहने वाले शाम 5 बजे तक। एडमिट कार्ड भी यानी कि जल्द ही आपके जो एडमिट कार्ड है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपकी एग्ज़ाम शेड्यूल है कंप्यूटर बेस्ड CBT के आधार पर आपके एग्ज़ाम कनेक्ट करवाएगी, स्किल टेस्ट भी आपका इसमें होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, वैकेंसीज ऑफ डिटेल जो 2 नंबर पे देख सकते हो, पहले वाला आपको 25,500 से यानी 81,100 यानी कि लेवल 4 की भर्ती रहने वाली है। UDC की एक वैकेंसी, अपर डिवीजन क्लर्क की एक वैकेंसी रहने वाली है, वो भी देख सकते हो यहाँ पे, यानी कि एक वैकेंसी UDC फर्स्ट, जो 3 वैकेंसी निकल के हैं UDC की जनरल पोस्ट रहने वाली है, LDC की 2 वैकेंसी हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क की यानी कि लेवल 2 का पेमेंट मिलने वाला 19,900 से 63,200 आपको पेमेंट मिलने वाला। टोटल वैकेंसी 5 वैकेंसी, 2 OBC की, 2 UR कैटेगरी की, 1 EWS की। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपको SC ST OBC वालों को छूट मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, जो पोस्ट कोड देख सकते हो UDC फर्स्ट, जो UDC के लिए यहाँ पे मैट्रिक 4 की भर्ती रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपको यानी कि देख सकते हो दोस्तों, जो यानी कि ग्रेजुएशन जो होना चाहिए कैंडिडेट, और डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 2 ईयर का कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट देख सकते हो 18 से 27 वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट भी इसमें आपको छूट वगैरह मिलने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड 2 पे देख सकते हो LDC 2 की पे मैट्रिक्स देख सकते हो 19,900 से 63,200 बेसिक पेमेंट। 12वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। टाइपिंग स्पीड यानी कि 35 WPM आपकी होनी चाहिए और इंग्लिश में 32 WPM, हिंदी कंप्यूटर में भी आपकी स्पीड होनी चाहिए। एज लिमिट देख सकते हो आप, 18 से 27 वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। SC ST वाले कैंडिडेट OBC वालों को छूट मिलने वाली इस प्रकार से देख सकते हो, यानी कि और आपको पेपर है वो CBT यानी कि आधार पे होने वाला। एज लिमिट यानी कि देख सकते हो, जो SC ST OBC वो यानी कि छूट मिलने वाली है 3 साल की, और OBC वालों को यानी कि देख सकते हो 3 साल की, और SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है।
और भी डिटेल यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट फीस 300 रुपये रहने वाली है। मोड ऑफ पेमेंट आपको किस प्रकार से करना है, जो उसकी जो पेट्रोल है यानी कि जिसकी साइड है उसे QR कोड दिया जाएगा, वहाँ पे स्कैन करके आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और भी डिटेल आप इस फॉर्म की अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। फॉर्म का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें, किस प्रकार से आपको फॉर्म को यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन का यानी कि फुल डिटेल इसमें दे रखी है। नोटिफिकेशन कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आपका जो जो पेपर है कंप्यूटर ऑनलाइन बेस पे टेस्ट होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हो आपका जो पेपर किस प्रकार से आगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आने वाला है। जो सेक्शन फर्स्ट में आपके जनरल नॉलेज आने वाले हैं, क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड आने वाले, रीजनिंग कंप्यूटर जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आने वाला है, चार चार पार्ट में आपका पेपर आने वाला, 25-25 नंबर का जो पेपर आने वाला, चार पार्टों में 100 नंबर का पेपर होने वाला टोटल। उसी प्रकार से सेम प्रोसेस जो चार पार्टों में LTC का पेपर आने वाला है, तो सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को देख सकते हो। दैट एग्ज़ाम विल बी होल्ड जो पुणे महाराष्ट्र स्टेट में ही इसकी एग्ज़ाम कनेक्ट करवाई जाएगी। साथ में आपको क्या लेके जाना है कंप्लीट जानकारी दे रखी है और आप पढ़ सकते हैं फॉर्म को। टाइपिंग स्किल टेस्ट आपकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाली है, तो कैंडिडेट अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है, सभी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, तो सभी डिटेल आप पढ़ सकते हैं और इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी भाई को इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, या फिर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। यहाँ पे देख सकते हो कॉल सेंटर नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे आप जो कुछ जानकारी चाहिए तो आप 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यानी कि मंडे टू सैटरडे आप कोई जानकारी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये भी आपको जो भर्ती के टाइम लेके जाना है। कंप्लीट जानकारी आप पढ़ सकते हैं और इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, लव यू गाइस, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।